भी चाय? बेटा तुमने ये सब पतीले में लिया फिर उसको गैस पे उबाला था क्या? नहीं ना बाबा ना, गैस के पास कौन जाएगा? मम्मी ने मना किया गैस के पास जाने के लिए। छोटी बहू चाय बहुत अच्छी बनी है, तो और बना के लाओ। बाबूजी का तो देखा, आज से मेरा टप्पू दुकान जाएगा। तो मैं आज से स्कूल जाता हूँ बाबूजी। असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है। आपके शर्ट को इस्त्री कर रही थी ना तो बटन टूट गया, तो मैंने लाल कलर का बटन लगाया है। तो अभी क्या करूँ मैं? तो कोई पूछे ना तो कह देने का कि आजकल लाल कलर के बटन की फैशन है। और ना पूछे तो? तो सामने से बता देने का। क्या क्या फंक्शन है इसमें? फंक्शन तो एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, कंप्यूटर में जितने फंक्शन होते हैं उससे ज्यादा इसमें है। क्या किया टप्पू तुमने? तू क्या चाहता है, ये धंधा में बंद कर दू? तूने बोला कि मैं मम्मी डैडी, मेरे जैसे रैपर के लिए तू नेवर रेडी, मैं तो सबकी मेंटल 24 घंटे एवर रेडी। बाबू जी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि टीवी देखते वक्त ये सिटी बजा रहे के अच्छी बात है। ठीक है टप्पू बंद कर दे आज टीवी। माफ करना सज्जनो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आई एम सो सॉरी, माफ करना। तो मैं आत्माराम तुकाराम, ए तुकाराम, चेंज करना छोड़ और पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई करने। वो जवाहरलाल नेहरू जब तेरी उम्र के थे ना तो क्लास में फर्स्ट आता था, फर्स्ट। पता है वही जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तब देश के प्रधानमंत्री थे। मुफ्त के वाईफाई पे बैठे वो ज्ञान दे, बाट अगले चौक पे शाबा छोटे जान दे। पापा पापा क्या है? आप शाम को आओगे ना, मेरे लिए ढोल लेके आना। ढोल ढोल सोसाइटी में मेरी इज्जत की बैंड तू बजाता है वो क्या कम है कि अभी ढोल बजाना है? कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा, ढोल ला के दिया तो मुझे पता है मेरे ही सर पे बजा बजा के मुझे परेशान करेगा। नहीं करूँगा, आप जब सो जाओगे ना तभी बजाऊंगा बस। ऐसे किसी को मारते नहीं है, पर मम्मी पहले उसने मुझे मारा था और वो हर वक्त मेरी मजाक उड़ाता रहता है। देखो बेटा वैसे तो तुम्हारे पापा भी हर बात में मेरी मजाक उड़ाया करते हैं, मैं क्या मारती हूँ? असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है ये बात मैंने लिख के रख ली। ओके मुझे डिवोर्स चाहिए। तूने बोला कि मैं मम्मी डैडी, मेरे जैसे रैपर के लिए तू नेवर रेडी, मैं तो सबकी मेंटल 24 घंटे एवर रेडी। ये क्या कह रहे हैं आप बबीता जी? अरे अय्यर भाई ये क्या है भाई, पहले बीवी बैग लेके आती है फिर पति बैग ले आता है, आखिर हुआ क्या है? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, शाबाश मैं रिक्शा बुला के आता। जी देखिए हमने आपको नीचे समझाया और आप समझ भी गई थी, लेकिन फिर से ऐसा क्या हो गया? One thing is decided मेहता जी, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है। बस अरे बस क्या? तूने बोला कि मैं मम्मी डैडी, मेरे जैसे रैपर के लिए तू नेवर रेडी, मैं तो सबकी मेंटल 24 घंटे एवर रेडी। अरे अय्यर को तो खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेहता साहब आप लेखक है, ऐसी भयानक सजा सोचिए जो किसी जालिम इंसान ने भी ना सोची हो। आइडिया अय्यर को उड़ा दे। मैं क्या कह रहे हो? अभी सीधा वकील के पास जाएंगे। अरे अभी से वकील के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर बोला मेहता साहब आपने,
उसके पहले हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन और वहाँ से वकील। सेकंड तो क्या, आधा सेकंड भी बबीता के साथ अब नहीं रह सकता। अय्यर भाई, अब बबीता जी के साथ नहीं रहेंगे तो फिर आपको रखेगा कौन? मैं फुटपाथ पर रह जाऊंगा। अरे अय्यर भाई, आप फुटपाथ पर रहोगे तो पुलिस आपको डंडा मारेगी।